नेम प्लेट विवाद पर इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने अलफनामा दायर किया है। कांवड़ियों की शिकायतें मिल रही थी, यूपी सरकार ने कहा शिकायत के बाद नेम प्लेट लगाने के निर्देश जो है वो दिए गए हैं। शांतिपूर्ण कांवड़ यात्रा के लिए ये निर्देश जो है वो दिए गए हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई की गई। तीर्थयात्रियों की चिंताओं को दूर करने के लिए फैसला। व्यापार या व्यवसाय पर कोई प्रतिबंध नहीं है। मालिकों को नाम और पहचान प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। बड़ी खबर। गौरव हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। गौरव, यूपी सरकार की ओर से हलफनामा दायर किया गया सुप्रीम कोर्ट में, क्या कुछ कहा गया है? बिल्कुल, देखिए आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस अश्विन भट्टी के बेंच को सुनवाई करनी है और पिछली सुनवाई में उत्तर प्रदेश सरकार में मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के इलाकों में जो निर्देश दिया गया था कि सभी जो रूट में कांवड़ यात्रा के रूट में पड़ने वाले ढाबे हैं वो नेम प्लेट लगाएं और अपने कर्मचारियों की लिस्ट लगाएं, उसको जो है अंतिम आदेश पर रोक लगा दी थी। सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोई वकील मौजूद नहीं हुआ था, लेकिन इस मामले में नोटिस जारी करके उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश से जवाब मांगा गया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो जवाब दाखिल किया, उन्होंने कहा कि जो ये निर्देश है वो बहुत सोच समझ कर दिया गया है और ये सिर्फ 22 जुलाई से 6 अगस्त के बीच में है जब कांवड़ यात्रा होती है और इस दौरान किसी भी तरह का धार्मिक भेदभाव नहीं किया जाता। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि जब मुहर्रम और ईद पड़ता है तो भी सरकार जो है वो बराबर व्यवस्थाएं करती है, हज यात्रा पर जाने वाले लोगों के लिए बहुत बड़े इंतजाम करती है और उनके जो सेंटीमेंट्स है उनका पूरा ध्यान रखती है, यहाँ तक कि बकरियों की खरीद के लिए जो है बाजार लगवाती है, जो अन्य जानवर जो की प्रतिबंधित है उनको के रास्ते में नहीं आने देती। इसी वजह से ये सारे निर्देश दिए गए, हलफनामे में बातें कही गई है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव फिलहाल इस जानकारी के लिए। आगे भी हम आपसे बातचीत इस पूरे मुद्दे पर करेंगे। बढ़ते हैं फिलहाल आगे।